छात्रों, व्यवसाय का अध्ययन कक्षा 11वीं के अंतर्गत आज हम अध्याय 10 में संचार एवं भंडारण क्या है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो संचार जो है वो है कम्युनिकेशन, अर्थात संपर्क का साधन। वही भंडारण जो है व्यवसाय में उत्पादित वस्तुओं को एक जगह सुरक्षित रखना। तो यहाँ हम विस्तार से संचार एवं भंडारण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं संचार क्या होता है। संचार, जैसा कि बताया हमने, कि संपर्क का एक प्रमुख साधन है। वर्तमान आधुनिक समय में जो है व्यापार व्यवसाय जो है मुख्य रूप से संचार के साधनों पर पूर्ण रूप से आश्रित। तो आधुनिक समय में जो है संचार एवं भंडारण जो है व्यवसाय का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें डाक, टेलीफोन, इंटरनेट, ई व्यवसाय जो है व्यापार व्यवसाय में महत्वपूर्ण सहायता पहुंचाते हैं। तो वर्तमान में जो है आधुनिक समय में व्यवसाय में जब व्यापार में एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क करता है, माल के क्रय विक्रय का आदान प्रदान होता है, तो ये संपर्क जो है डाक के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, नेट इंटरनेट के माध्यम से और ई बिजनेस के माध्यम से ग्राहक और व्यवसायी आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, आपस में एक दूसरे से जानकारी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से व्यापार व्यवसाय का जो है यहाँ पर विस्तार होता है। तो संचार के माध्यम से जहाँ सूचनाओं के आदान प्रदान से व्यवसाय का विकास विस्तार होता है, वहीं भंडारण के माध्यम से संग्रहण द्वारा वस्तु में समय अनुसार उपयोगिता पैदा की जा सकती है। तो दोनों यहाँ पर जो है दोनों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं संचार, कम्युनिकेशन। संचार क्या होता है? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अर्थात संपर्क करना। तो व्यवसाय में संचार के माध्यम से व्यवसायी उपभोक्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं, प्रतियोगी व्यवसायियों से निरंतर संपर्क में रहता है। आज संचार सेवाओं से व्यवसाय में त्वरित गति, शुद्धता एवं प्रभावपूर्णता आ गई है। तो व्यवसाय में संचार के माध्यम से जो है व्यवसायी उपभोक्ताओं से, अर्थात ग्राहक जो वस्तुओं को उपभोग करता है, आपूर्तिकर्ता जो व्यवसाय के लिए माल को पूर्ति करता है, वहीं प्रतियोगी व्यवसायी जो उसके समकक्ष जो उसका व्यवसाय कर रहे हैं उस प्रकार से, इन सब से आपस में वो निरंतर संपर्क में रहता है और उस हिसाब से व्यवसाय में डिसीजन निर्णय लेकर अपने व्यवसाय को गति प्रदान करता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों से व्यवसाय में जो शुद्धता, निष्पक्षता, प्रभावपूर्णता इत्यादि की जो है वो विशेष तौर पर आ गए हैं। व्यवसाय में जो है हम यहाँ पर संचार सेवाओं को तीन भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला है डाक सेवा, दूसरा दूरसंचार सेवा और तीसरा आधुनिक। तो यहाँ पर संचार के जो तीन प्रमुख साधन है, डाक सेवा, दूरसंचार सेवा और आधुनिक साधन, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं डाक सेवा क्या होती है। हम सब जानते हैं डाक के माध्यम से हम पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या अपनी किसी भी प्रकार की सामग्री डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाकघर के माध्यम से, डाक सेवा के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो इसका जो प्रारंभ है वो 1837 में हुआ था। 1854 में भारतीय डाक विकास एक संस्था के रूप में जो है गठन किया गया था 1854 में। वर्तमान में डाक सेवा हेतु 22 डाक सर्कल जो है विभाजित किए गए हैं। संपूर्ण देश में जो है 22 मुख्य जो संस्थाएं हैं, डाक सर्किल हैं, उनको 22 डाक सर्किल में विभाजित किया गया है। पोस्टल इंडेक्स नंबर, जिसको हम बोलते हैं पिन, पिन नंबर जिसको हम बोलते हैं, वो कहलाता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन नंबर क्या होता है? हर जिले का, हर क्षेत्र का अपना अपने एक पिन नंबर होता है। इस पिन नंबर के माध्यम से जो है शीघ्रता से पता चल जाता है कि यह डाक किस स्थान की, किस शहर की है, किस प्रदेश की है। वहीं दूसरी जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है ये सेवा भी प्रारंभ की गई। इसमें जो है डाक को बहुत शीघ्रता के साथ 2 या 3 दिन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। वहीं बिजनेस पोस्ट जो है इकोनॉमिक पोस्ट है, ये जो व्यवसाय में हमें रूटीन में बार बार डाक को भेजना होता है, तो वो बिजनेस पोस्ट के माध्यम से हम यहाँ पर कम शुल्क के साथ वो पोस्ट अपनी भेज देते हैं। जैसे विभिन्न पत्र पत्रिकाएं हैं जो रेगुलरी मंथली या वीकली या पर डे जाती हैं, तो वो बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत आती हैं। इन सेवाओं के साथ डाकघरों
को तेजी से कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। डाक विभाग द्वारा सेवाओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, एक वित्तीय सेवा और दूसरी मेल सेवा। तो यहाँ जो डाक सेवाएं दो रूपों में डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, पहला वित्तीय सुविधाओं के रूप में, दूसरा मेल सुविधा के रूप में। वित्तीय सुविधाओं में हम देखेंगे कि डाकघर जो है सामान्य बैंकिंग के कार्यों को भी संपन्न करता है। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि हमारे घरों के आसपास जो डाकघर हैं वहाँ हम अपना एक छोटा सा बचत खाता खुलवाते हैं, जहाँ पर हम समय समय पर अपना पैसा जमा कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर निकाल सकते हैं। तो इसमें बचत खाता इनके द्वारा खोला जाता है, मियादी जमा खाता। मियादी जमा खाता से तात्पर्य ये है कि यहाँ पर हम हर एक निश्चित समय पर कुछ राशि जमा करते, वो मियादी जमा खाता हो गया। मासिक आय योजना, इसमें जो है हम पैसा जमा करते हैं, वहाँ पर डाकघर हमें मंथली जो है एक निश्चित आय के रूप में राशि हमें प्रदान करती है। वहीं आवर्ती जमा खाता जो है ये एक निश्चित समय पर हर महीने या हर 15 दिन में या 3 महीने 6 महीने में जो है हम एक निश्चित राशि बैंक में जमा करते हैं और समय अवधि पूरी होने पर वो हमें वापस कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर डाकघर जो है, पूर्व में हम देखते थे कि मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे का हस्तांतरण होता था, वर्तमान में बैंक द्वारा जो है RTGS और NFT के माध्यम से जो है पैसे का हस्तांतरण होता है। लेकिन पूर्व में जो है, जब ये कंप्यूटराइज सुविधा नहीं थी, तो उस समय मनी ऑर्डर के द्वारा जो है पैसे का हस्तांतरण डाकघर के द्वारा किया जाता था। वहीं लोक भविष्य निधि, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र NSC जिसको हम बोलते हैं, लोक भविष्य निधि के पत्र जो कि सरकार के द्वारा निधि एकत्रित की जाती है और उनको ग्राहकों को जो एक निश्चित राशि समय पर वापस प्रदान की जाती, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि के माध्यम से जो है डाकघर बचत को प्राप्त करते। तो ये है डाक सेवा की वित्तीय सुविधा। दूसरे प्रकार का हम देखते हैं कि मेल सुविधा। मेल सुविधा से तात्पर्य यहाँ पर डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। तो ये निम्न प्रकार से प्रदान करती है, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, क्योंकि सामान्य डाक के पहुँचने की कोई गारंटी नहीं होती थी। सामान्य तौर पर हम जो डाक भेजते हैं वो समय पर जिसके पास हमने भेजा उसको प्राप्त हो अथवा ना हो, इसकी कोई जानकारी नहीं होती थी। इसे तो डाक विभाग द्वारा एक डाक प्रष्ठांकन करके देता है, जो कि एक प्रमाण होता है। तो एक प्रकार से अंडर पोस्टल सर्विस जो है, सर्टिफिकेट जो है, इसमें जो भी हम डाक भेजते थे उससे हम एक पंजीयन डाक विभाग से उस डाक का कराते थे और लौटने पर वो हमें प्रमाण एक प्राप्त होता था कि संबंधित व्यक्ति को वो डाक प्राप्त हो गई है। वर्तमान में जो है 2011 से इसे बंद कर दिया गया। फिर दूसरा जो है पंजीकृत डाक, ये एक रजिस्टर्ड डाक कहलाती है। जो डाक हम पंजीकृत करा के, रजिस्टर्ड करा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, तो यहाँ पर डाक विभाग हमारी डाक का क्या करता था, पंजीयन करता था और डाक विभाग सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। इसमें डाक को डाक ले जा सकते हैं, ऊपर रजिस्टर्ड लिखा होता है। इसका व्यय जो होता है वो साधारण डाक से क्या होता है, अधिक होता है। इसमें पत्र हो गया, पोस्ट कार्ड हो गया, पुस्तक, पार्सल, समाचार, ये इत्यादि जो हैं ये हम रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं। इसके बाद ये शब्द भी हम जानते हैं, पार्सल क्या होता है। पार्सल जो होता है सामान्य डाक की तुलना में भारी डाक जो हम भेजते हैं, इसको हम कपड़े या टाट में लपेटकर सिलाई कर सील कर दिया जाता है। इसका जो वजन है, इसका वजन 10 से 20 किलोग्राम तक हो सकता है और लंबाई जो है इसकी 1.80 मीटर तक, मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें कोई अवैध वस्तु ना हो, कोई विस्फोटक पदार्थ वगैरह ना हो, कोई भी ऐसी अवैधानिक वस्तु ना हो जो समाज के लिए नुकसानदेह हो, तो ये कहलाता है पार्सल। पार्सल क्या होता है, एक भारी डाक जो होती है सामान्य तौर पर 10 से 20 किलोग्राम तक की हो सकती है, जिसको हम कपड़े या टाट में लपेटकर सिलाई करते हैं और चपड़े की सील, जहां पर सिलाई होती है उन्होंने स्थानों पर सील लगाते हैं, ये कहलाता है पार्सल। इसके बाद स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट जो वर्ष 1986 में प्रारंभ की प्रक्रिया जो है कि तीव्र गति से डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, इस प्रक्रिया को वर्ष 1986 से शुरू किया गया था। इसमें 2 से 3 दिन
मैं डाक को पहुंचाने की गारंटी ली जाती है। इसका शुल्क जो है दूरी व वजन के हिसाब से होता है। तो स्पीड पोस्ट जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि तेजी से डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। वर्ष 1986 से यह प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी और इसकी जो दिन है पहुंचने के लगभग 2 से 3 दिन तक में डाक पहुंच जाती है और इसका जो शुल्क है वो दूरी और वजन के हिसाब से होता है। कोरियर सेवा जो है वर्तमान में डाक सेवा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हो गई है। कोरियर के माध्यम से जो है सामान्य डाक सेवा की तुलना में छोटे बड़े तथा भारी डाक को तीव्र गति से सुरक्षा से विशिष्टीकरण के साथ प्रेषण का कार्य करते। कोरियर के माध्यम से जो है हम हल्की डाक से लेकर भारी डाक तक को बहुत शीघ्रता के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं। और ये कोरियर जो सेवा करने वाली जो संस्थाएं या एजेंसी होती इनके दूर दराज ग्रामीण तक क्षेत्रों तक इनकी संस्थाएं या इनकी शाखाएं होती हैं। जहां पर सामान्य रूप से डाक नहीं पहुंच पाती उन स्थानों पर भी ये कोरियर सेवाएं जो है अपनी सेवा प्रदान करती है। इसमें जो आवागमन है ये सुरक्षित रहता है एवं प्राप्त होने पर प्राप्तिकर्ता के हस्ताक्षर डाक के पहुंचाने का प्रमाण होती है। तो इसके साथ ही कुरियर के साथ साथ डाक विभाग जो है अन्य सुविधाएं जैसे ग्रीटिंग पोस्ट हो गई। ग्रीटिंग पोस्ट क्या होती है? एक प्रिंटेड होता है जैसे विभिन्न तीज त्यौहार या किसी विशेष अवसर पर जो है स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है इनके द्वारा जो है ग्रीटिंग कार्ड प्रकाशित किए जाते हैं जो कि कम खर्च में जिसको हमें भेजना है उसको हम भेज सकते हैं। ये हो गया मीडिया पोस्ट हो गया प्रचार प्रसार के लिए जो हम डाक भेजते हैं वो हो गया। कंपनियां अपने ब्रांड का पोस्ट कार्ड कंपनियां जो है अपनी संस्था के नाम को उसमें प्रिंट करा के भेजती हैं। प्रत्यक्ष डाक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हस्तांतरण पैसे का हस्तांतरण जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसमें 185 देशों से भारत को मुद्रा हस्तांतरण या भुगतान संभव होता है। इसके अलावा पासपोर्ट सुविधा पासपोर्ट के यदि हमें बनवाना हो तो डाक विभाग से हम प्रोफार्मा प्राप्त करके उसकी जानकारी भर कर उसको हम जमा करते हैं। डाक विभाग के माध्यम से हम पासपोर्ट भी तैयार करते हैं। साथ ही ई बिल का भुगतान संग्रहण आदि का कार्य भी वर्तमान में कुरियर के माध्यम से किया जाता है। तो ये जो थी डाक विभाग की द्वारा मेल सुविधाओं के अंतर्गत दी जाने वाली प्रमुख। देखते हैं दूर संचार। दूर संचार जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसके माध्यम से हम आपस में एक दूसरे से संपर्क करते हैं। तो किसी भी देश के लिए बेहतर दूर संचार व्यवसाय सेवाएं जो है व्यवसायिक क्रियाओं के लिए क्या है? रीढ़ है। इसके अभाव में देश का तीव्र आर्थिक विकास संभव नहीं है। इसमें जो है प्रमुख रूप से निम्न सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। सेलुलर मोबाइल सेवा, सेलुलर मोबाइल सेवा के अंतर्गत जो है कि सेलुलर मोबाइल सेवा ये एक ऐसी तार रहित सेवा है जिसके माध्यम से आवाज सहित जो है हम डाटा सेवा और PCO सेवाएं आदि इसमें सम्मिलित है। अर्थात हम तार रहित सेवा ये कहलाती है जिसमें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते फिरते आपस में बात कर सकते हैं। दूसरा जो है रेडियो पेजिंग सेवा। मोबाइल के आने के पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक तार के माध्यम से जो है संदेश टेलीफोन के माध्यम से हम जिससे हमें संपर्क करना है उसके पेजर में भेजा जाता था जिसको हम पहले बोलते थे पेजर। पेजर में जो है जो हम संकेत भेजते थे कि संबंधित व्यक्ति से बात करना तो वो उसके पास वो मैसेज पहुंच जाता था। ये रेडियो तरंगों के माध्यम से जो है ये सुविधा प्राप्त होती थी रेडियो पेजिंग सेवा। फिर इसके बाद स्थिर लाइन सेवा जिसको हम टेलीफोन के नाम से जानते हैं। इसमें जो है तारों के माध्यम से जो है संपर्क आपस में स्थापित किए जाते थे। इसके बाद केबल सेवा। वर्तमान में जो है केबल के माध्यम से हम जो सैटेलाइट के माध्यम से मनोरंजन के विभिन्न साधनों TV के अंतर्गत जो हम कार्यक्रम देखते हैं वो केबल सेवाओं के अंतर्गत। इसके बाद VSAT सेवा। ये सैटेलाइट सेवा है जो ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में विश्वसनीय संचार समस्या समाधान प्रस्तुत करती है जिससे ऑनलाइन समाचार पत्र बाजार भाव टेली एजुकेशन विश्वसनीय समाचार प्राप्त
होते हैं। तो यह है VST सेवा, ये एक प्रकार की सैटेलाइट सेवा है। फिर यह है डायरेक्ट टू होम सेवा, जिसको हम बोलते हैं DTH, DTH डायरेक्ट टू होम सेवा। इसके माध्यम से जो है टेलीविजन के सैटेलाइट के जो कार्यक्रम प्रसारित होते थे वो सीधा हम इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये दूरसंचार की जो विभिन्न सेवाएं। इसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक साधनों की। इसमें सबसे पहला जो साधन है फैक्स। फैक्स क्या कहलाता है? फैक्स जो है जो हमारे पास दस्तावेज है उसको उसी रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। ये टेलीफोन में जिस प्रकार टेलीफोन के नंबर होते हैं इसी प्रकार से इनके फैक्स के नंबर होते हैं, और ये जो है आपस में एक दूसरे से एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के माध्यम से जुड़े होते हैं। जब हमें फैक्स करना होता है तो हम उस संबंधित प्रपत्र को जो है उस मशीन की एक फोटोकॉपी जो मशीन टाइप्स जैसी होती है उसमें उसको हम रखते हैं और उससे कनेक्ट करते हैं, और इसके पश्चात उस नंबर से जो दूसरा फैक्स जुड़ा हुआ उसके पास वो दस्तावेज या सूचना जो है वो पहुंच जाती, तो वो कहलाता है फैक्स। फिर इंटरनेट। इंटरनेट जो है वर्तमान में विभिन्न स्थानों पर स्थापित टेलीफोन लाइनों अथवा उपग्रहों की सहायता से एक दूसरे के साथ जुड़े कंप्यूटरों के नेटवर्क से है। इसमें संपूर्ण सूचनाएं कंप्यूटर में भरी होती हैं, जिसे हम वेब सर्वर कहते हैं। इंटरनेट में जो है जो भी समस्त प्रकार की जानकारियां हैं वो एक कंप्यूटर में स्टोर रहती हैं, और उसके वेब सर्वर के माध्यम से जो है हम दूसरे कंप्यूटरों में या मोबाइल के माध्यम से वो सूचना या जानकारी प्राप्त करते हैं। इस संपूर्ण जाल को जो है वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है, जिसको हम WWW। कोई भी चीज़ जब हम सर्च करते हैं किसी जानकारी को हमें प्राप्त करना होता है तो सबसे पहले हम शुरुआत जो है इसकी WWW से करते हैं। ये कहलाता है वर्ल्ड वाइड वेब, अर्थात WWW का फुल फॉर्म जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब। इसके पश्चात जो है ईमेल। ईमेल की जो प्रक्रिया है ये एक तरफा प्रणाली कहलाती है। ईमेल सेवा कंप्यूटर आधारित जो है स्टोर एवं फॉरवर्ड, अर्थात जो हम संदेश भेजते हैं वो उस कंप्यूटर में हमारे कंप्यूटर में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, सेव हो जाता है, और उसके बाद जब हम फॉरवर्ड करते हैं तो संबंधित दूसरे पक्ष में के कंप्यूटर में वो पहुंच जाता है। तो ये जो है स्टोर एवं फॉरवर्ड। इसमें जो है प्रेषक और प्रेषी का एक समय पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। ये एक तरफा प्रणाली कहलाती है, अर्थात जिसको हमें संदेश भेजना है हम उसकी ईमेल साइट पर जो है मैसेज डाल देते हैं, और जब वो व्यक्ति सामने वाला जो है अपनी साइट को खोलता है तो हमारा मैसेज उसको प्राप्त हो जाता है, और यदि उसको जवाब देना है तो वो हमको जवाब दे देता है। तो ये क्या है, एक तरफा प्रणाली है, अर्थात दोनों पक्षों का एक समय पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। तो ये जो आधुनिक साधन है फैक्स, इंटरनेट और ईमेल। इसके बाद अब हम बात करेंगे, अभी हमने संचार के बारे में जाना, अब हम जानेंगे कि भंडारण क्या है। तो एक व्यवसाय में वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए, अब उपयोगिता में वृद्धि कैसे होगी, अर्थात उत्पादन व्यवसाय में बहुत पहले से होकर रह जाता है। तो यहाँ पर जो है जो वस्तु उत्पादित हो जाती है आवश्यक नहीं है कि वो उसी समय उपभोक्ता तक पहुँच जाए, उसको हमें कुछ समय तक क्या करना पड़ता है, संग्रहित करके रखना पड़ता है, इकट्ठा करके रखना पड़ता है। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जो समय पूरा होने पर उनकी उपयोगिता में कमी आ जाती है। तो यदि भंडारण या गोदाम के माध्यम से हम उस वस्तु को सुरक्षित रखते हैं तो उसकी उपयोगिता बराबर बनी रहती है। तो व्यवसाय के अंतर्गत प्रत्येक वस्तु हर समय उपभोक्ता को उपलब्ध नहीं होती, कुछ वस्तुएं सीमित या मौसमी होती हैं जो ग्राहकों को उचित कीमत पर नियमित रूप से प्राप्त होती रहे, इसके लिए भंडारण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो है देश में उचित भंडारण व्यवस्था होने पर व्यापारी जमाखोरी कालाबाजारी करके अनुचित लाभ नहीं कमा सकते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भंडारण जो है वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करता है, जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तो हम भंडारण के माध्यम से उस वस्तु को उपभोक्ता तक पहुँचाते हैं। इस प्रकार से जो है भंडारण वस्तुओं के उचित एवं सुरक्षित भंडारण के द्वारा समय की उपयोगिता का सृजन इससे होता है।
अर्थात जो वस्तु जिस समय उपयोगी है वो वस्तु समय काम आए, तो ये संभव है सुरक्षित भंडारण के द्वारा। तो इस प्रकार से परिभाषा जो हम देखते हैं भंडारण की, वो है भंडारण से ऐसे वस्तुओं के वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित संग्रहण से होती, ताकि उनकी मूल्य किस्म मूल्य तथा उनकी उपयोगिता जो है वो बनी रहे। तो भंडारण से जो आशा है यहाँ पर, किसी भी वस्तुओं को हम वैज्ञानिक और सुरक्षित ढंग से इकट्ठा करके रखें, ताकि उसकी जो मूल उपयोगिता है, जो उसका मूल किस्म है, जो उसकी मूल्य है, वो उसकी उपयोगिता बनी रहे। तो ये कहलाता है भंडारण। भंडारण के जो कार्य हैं या महत्व है, इनको हम देखते हैं। सबसे पहला बिंदु जो है संग्रहण। तो भंडारण के माध्यम से हम जो है बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु की अतिरिक्त मात्रा को संग्रहित कर मांग के समय उपलब्ध कराना व मांग पूर्ति को संतुलन बनाना। तो संग्रहण जो है, हम बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तुओं को इकट्ठा करके रख लेते हैं, और जब उसकी मांग होती है तब हम संग्रहण या भंडारण के माध्यम से उसकी पूर्ति को प्रॉपरली बनाए रहते हैं। तो संग्रहण इसलिए किया जाता है ताकि जिस समय वस्तु की मांग उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हुआ, मांग उस समय कम है, तब ऐसे समय में जब आगे भविष्य में उसकी मांग अधिक होगी, तब हम भंडारण के माध्यम से उसकी पूर्ति को प्रॉपरली बनाए रखें। तो ये संग्रहण इसलिए किया जाता है। दूसरा जो है कीमतों में स्थिरता। यदि संग्रहित करके हमने वस्तुओं को रखा हुआ है, तो बाजार में जब मांग बढ़ती है तो उस समय जो है हम उसी कीमत पर जो है उसकी आपूर्ति को बनाए रख सकते हैं। तो आपूर्ति के समय संग्रहण किया जाता है, एवं आपूर्ति कम होने पर पूर्ति को बनाकर कीमतों में स्थिरता को बनाए रखता है। अर्थात जब आपूर्ति कम होती है तब हम भंडारण से उस माल को निकाल कर उसकी प्रॉपर बाजार में पूर्ति करते हैं, जिससे बाजार में जो कीमतें हैं वो एक सी बनी रहती है। फिर एकीकरण। भंडारण के इस कार्य में उत्पादन की विभिन्न इकाइयों से वस्तुएं एकत्रित कर और उनका एकीकरण कर उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। हम उत्पादन की जो विभिन्न इकाइयां हैं उन वस्तुओं को एकत्रित करते हैं, उनको एकीकरण करते हैं और उनको उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। फिर मूल्य वर्धित सेवाएं। जिन सेवाओं से वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, जैसे वस्तु का श्रेणीकरण, पैकेजिंग, लेवलिंग आदि सेवा ये प्रदान करते हैं। तो भंडारण जो है ये वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि किस प्रकार से करता है, जब वस्तुएं इकट्ठी मात्रा में एक स्थान पर रखी जाती है तो उनका श्रेणीयन करता है, अलग अलग इकाई बार जो है वस्तुओं को जमाता है, पैकेजिंग करता है, उन पर लेवलिंग करता है, पैकेजिंग उनकी कवरिंग उनकी लेवलिंग जो है के अंतर्गत प्रदान की जाती है। फिर वित्तीय व्यवस्था में सहायक। भंडार गृह में जो माल हमने रखा हुआ है उस जमा की रसीद के आधार पर हम जो है बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से उधार की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जो कि व्यापार व्यवसाय के लिए वित्त व्यवस्था में सहायक होती है। तो भंडार गृह में जो हमने माल रखा हुआ है उस माल की जमा की रसीद जो हमारे पास है वो जमानत के तौर पर हम बैंक या विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में रखकर जो है उधार की सुविधा हम प्राप्त कर सकते हैं, बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है भंडारण के कार्य या उसके महत्व हैं। इसके बाद हम प्रकार देखते हैं भंडार गृह के जो है विभिन्न प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार जो है निजी भंडार गृह। निजी भंडार गृह मतलब प्राइवेट भंडार गृह। यहाँ पर जो उत्पादक थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी अपने माल को संग्रहित करने के लिए जो उनके स्वयं के जो भंडार गृह होते हैं वे निजी भंडार गृह कहलाते हैं। एक व्यापारी व्यवसायी या उद्योगपति के जो अपने द्वारा उत्पादित माल को अपने स्थान पर रखने के लिए जो उनके पर्सनल भंडार गृह है वो निजी भंडार गृह कहलाते हैं। ये अलग अलग स्थान पर हो सकते हैं या एक व्यापारिक स्थान पर भी हो सकते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है सार्वजनिक भंडार गृह। ये वे भंडार गृह हैं जहां उत्पादक या व्यापारी निर्धारित शुल्क देकर अपने माल को संग्रहित करके रख सकता, अर्थात ये सार्वजनिक सभी के लिए। ऐसे छोटे उद्योगपति या ऐसे छोटे व्यापारी जो अपने माल को संग्रहित करके रखने के लिए उनके पास भंडार गृह नहीं है, उनके लिए ये सार्वजनिक भंडार गृह होता है। इसका जो संचालन का लाइसेंस है ये सरकार प्रदान करती है। इनका जो शुल्क निर्धारण व नियमन भी सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो है सार्वजनिक भंडार गृह में मौसमी उत्पादन जैसे विभिन्न फसली उत्पादन आदि के संग्रहण में इनकी उपयोगिता रहती है। एक समय जैसे जिस समय फसल
होती है उस समय उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो यहाँ पर जो है उस उत्पादन को जो है संग्रहित करके सार्वजनिक भंडार घर में रखा होता है। ये संग्रहण जो है कुछ समय के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर जो है सार्वजनिक भंडार घर के माध्यम से एक उत्पादनकर्ता जो अपने माल को निर्धारित शुल्क जमा करके किसी भी सार्वजनिक भंडार घर में अपने माल को सुरक्षित रख सकता। यहाँ पर जो है सार्वजनिक भंडार घर भी पैकेजिंग की सुविधा, लेबलिंग की सुविधा आदि प्रदान करते हैं। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर माल की रसीद के आधार पर बैंक से ऋण इन पर आसानी से मिल जाता है। तो सार्वजनिक भंडार घर में यदि कोई व्यापारी अपने माल को सुरक्षित रखता है और उससे जो उसको रसीद प्राप्त होती है वो रसीद बैंक में जमानत के तौर पर रखकर बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ दो प्रकार जो हमने देखे, ये निजी भंडार गृह और सार्वजनिक भंडार गृह। इसके बाद तीसरा गृह बंधक भंडार गृह से तात्पर्य यहाँ पर है कि जो माल को एक प्रकार से अपने पास गिरवी रखता है। तो आमतौर पर हम बंदरगाहों में देखते हैं जब विदेशों से हम माल को आयातित करते हैं, विदेशों से माल को खरीदते हैं, तो उन पर जो है आयात कर जो है शासन के द्वारा या विभिन्न प्रकार के कर जो है वो शासन के द्वारा लगाए जाते हैं। तो इसमें विदेशों से आयातित माल पर जब तक आयातक द्वारा आयात कर या शुल्क नहीं चुका दिया जाता तब तक माल जो है वो व्यापारी को नहीं सौंपा जाता। अब कर ना चुकाने की स्थिति में यदि टैक्स वो नहीं चुका पा रहा तो माल को वो वहां से नहीं उठा पा रहा। ऐसी स्थिति में कर ना चुकाने की स्थिति में कस्टम अधिकारी की अनुमति से माल को गोदी से उठाकर बंधक भंडार गृह में रख दिया जाता है। यहाँ गोदी से तात्पर्य जो है ये बंदरगाह, बंदरगाह होते हैं जहां पर की माल इसके माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो है बंधक भंडार गृह में इसको रख दिया जाता है जहां से व्यापारी अपनी सुविधा अनुसार कर या शुल्क चुकाकर माल को प्राप्त करता है। इन भंडार गृह के द्वारा भी पैकेजिंग लेवलिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। तो बंधक भंडार गृह वे भंडार गृह हैं जहां पर कि आयातित माल पर आयात शुल्क न चुका पाने की स्थिति में व्यापारी का माल जो है वो बंधक भंडार गृह में सुरक्षित रख दिया जाता है और जब समय समय पर व्यापारी के द्वारा आयात कर चुका दिया जाता है तो माल को वो रिलीज कर देते हैं और वो माल व्यापारी को प्राप्त हो जाता है। चौथा प्रकार जो है सरकारी भंडार गृह। इन भंडार गृहों पर स्वामित्व जो है प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्णतः सरकार के द्वारा होता है। जैसे FCI की गोदाम है, भारतीय खाद्य निगम, राज्य व्यापार निगम और केंद्रीय भंडारण निगम आदि, यहाँ जहाँ पर जो है उत्पादित माल को सरकार की निगरानी में, उनके स्वामित्व में, प्रबंध में, नियंत्रण में जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा जाता है, वो कहलाता है सरकारी भंडार गृह। इसके बाद फिर कुछ सहकारी भंडार गृह होते हैं, कुछ विपणन सहकारी समितियां, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि जो सहकारी समितियां हैं ये अपने सदस्यों, इनके जो सदस्य होते हैं अपने सदस्यों को माल सुरक्षित रखने के लिए उनको भंडार गृह की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। सहकारी समितियां ही इन भंडारगाहों का प्रबंधन एवं नियंत्रण करती हैं। तो ये जो हैं पांच प्रकार के जो हैं यहाँ पर हमने देखे कि भंडारगाह के जो प्रकार हैं, निजी भंडारगाह, सार्वजनिक भंडारगाह, बंधक भंडारगाह और सरकारी भंडारगाह और सहकारी भंडारगाह। यहाँ पर कुछ अभ्यास आज के अध्याय से संबंधित जो प्रश्न हैं कि संचार से क्या आशा है, डाक विभाग द्वारा दी जाने वाली डाक सेवाओं को समझाइए, स्पीच पोस्ट सेवा क्या है इसको समझाइए, डाक विभाग द्वारा कोरियर सेवा से क्या आशा है इसे समझाइए, फिर संचार के आधुनिक साधन जैसे फैक्स, इंटरनेट, ईमेल को समझाइए, भंडारण से आशा उसके कार्य महत्व को समझाइए और भंडार गृह के विभिन्न प्रकारों को समझाइए।